नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज में, और मैं हूं मिथुन हंसराज और कैमरा के पीछे हैं प्रेम कुमार माही। कोरोना की कहर जो कि देश दुनिया में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो ऐसे कोई जगह नहीं है जहां पे कोरोना का कहर नहीं है दुनिया में, देश दुनिया में। और भारत की बात करें तो भारत में भी कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर 24 घंटे की बात करें, इन 24 घंटों में तो 90,123 ऐसे नए मामले आए हैं जो कि कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, वही 1209 लोगों की मौत हो चुकी है। और भारत में इस आंकड़े के साथ साथ कुछ ऐसे भी हैं जहां पे सेनाओं हैं उनमें भी कोरोना संक्रमित देखा गया है, और अभी तक 18,000 ऐसे कोरोना संक्रमित हुए हैं जो तीनों सेनाओं की बात करें, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की, तो तीनों सेनाओं को लेकर 18,839 ऐसे नए मामले हैं जो कि कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 35 ऐसे जो सेनाओं के बल हैं, जो तैनात रहते हैं, उनकी मौत हो गई है। आज इसी क्रम में बेंगाबाद के सामुदायिक अस्पताल में एक चिकित्सक प्रभारी जो हैं कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं, और जब कोरोना पॉजिटिव आया गया उसके बाद ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप सा मच गया है। मैं बात कर रहा हूं बेंगाबाद प्रखंड का, जहां पे आए दिन काफ़ी सारे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन रिकवरी के बाद उन सभी का जो है रिपोर्ट नेगेटिव आया गया है। लेकिन फिर एक जब चिकित्सा प्रभारी यहां के कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसके साथ ही पूरे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप सा मच जाता है। जो हॉस्पिटल है फिलहाल 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। जो इमरजेंसी के लिए है उसके लिए खुला रखा गया है। इमरजेंसी ऐसे कोई केस आता है तो उसके लिए इलाज जो वहाँ के स्वास्थ्य कर्मी हैं वो मौजूद हैं और उसके लिए फिलहाल चलेगा। लेकिन इन सभी के बीच में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोरोना अभी गया नहीं है, चूँकि ऐसे नए मामले बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। इन 24 घंटों में 90,000 कुछ क्रॉस हो गया है, तो मामले जो है लगातार बढ़ते ही रह रहे हैं। तो ऐसे में आप सबों को सावधानी पूर्वक रहना है और जो सोशल डिस्टेंस है उसे मायने रखना है। मास्क वगैरह पहन के ही आप जो है बाजार जाएं, मार्केट जाएं, और पूरी तरीके से आप अपने आप को सुरक्षित रखें। अपने से बड़े बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, चूँकि कोरोना का कहर जो है वो बुजुर्गों पर काफ़ी ज़्यादा हावी पड़ता है। तो ऐसे में आप सभी अपने घर परिवार में जो है ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। तो आइए देखते हैं वहाँ का क्या मूवमेंट है उस हॉस्पिटल का, जहाँ पे बेंगाबाद सामुदायिक अस्पताल में एक कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप सा मचा है। वहाँ पे देखते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट में। कोरोना का कहर लगातार है जारी। इधर बेंगाबाद सामुदायिक अस्पताल में एक चिकित्सक हुए कोरोना पॉजिटिव से अस्पताल में हड़कंप मच गया। बताया जाता है चिकित्सा कर्मी ने स्वयं को अपने आप को कोरोना पॉजिटिव बताया जांच रिपोर्ट आने के बाद में। इधर इस मामले को देखते हुए चिकित्सा प्रभारी ने अस्पताल को 24 घंटे के लिए सील कर दिया जा रहा है और कहा कि प्रसव गृह चालू है, इमरजेंसी चालू है, लेकिन अस्पताल फिलहाल इधर बंद रहेगा। बेंगाबाद से जगन्नाथ पश्चिम। तो बने रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। मिथुन हंसराज और प्रेम कुमार माही के साथ बेंगाबाद से बीएनबी न्यूज। मैं आरती, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहे बीएनबी के साथ, और वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो बने रहे बीएनबी के साथ। बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद।